क्यों पड़ी फाउंटेन पेन की जरूरत? क्या आपको पता है आज एक फाउंटेन पेन की कीमत लाखों रुपए में है? क्या आप जानते हैं फाउंटेन पेन का आविष्कार समय बचाने के लिए किया गया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज फाउंटेन पेन लग्जरी आइटम बन चुका है और इनका इस्तेमाल महंगे उपहार देने में किया जाता है। इंक पेन एक ऐसा उपकरण है जिसे हर व्यक्ति यूज करता है। क्या आप जानते हैं इंक पेन से पहले इसमें भरी जाने वाली इंक का आविष्कार हुआ था? यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 2 अरब से ज्यादा फाउंटेन पेन बनाए जाते हैं। इतिहास और विकास के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे फाउंटेन पेन की, जानेंगे इसके बनने की कहानी, जानेंगे इसके विकास से जुड़ा इतिहास और जानेंगे इसके लग्जरी आइटम बनने की वजह। पेन का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि पेन का सर्वप्रथम आविष्कार इराक में हुआ था, जो कि नुकीली धातु के रूप में था। सबसे पहले रीड पेन का आविष्कार मिस्र में हुआ। फाउंटेन पेन का आविष्कार भी मिस्र में हुआ था। आपको बता दें कि भारत में पेन का उपयोग 5000 से भी अधिक वर्षों से माना जाता है। यदि प्राचीन समय का इतिहास देखा जाए तो हड्डियों से भी लिखने का काम होता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, आधुनिक पेन का आविष्कार हुआ। रामायण और महाभारत मोर पंख द्वारा लिखी गई थी। उस समय पक्षियों के पंख कलम का काम करते थे। अभी तक हमने जाना कि कैसे विभिन्न चीजों को इंक में डुबोकर लिखने का काम होता था, लेकिन अब हम जानेंगे फाउंटेन पेन बनने की कहानी। दुनिया को फाउंटेन पेन का उपहार रोमानिया के आविष्कारक पैट्रिच पोएनारू ने दिया। उन्होंने 25 मई 1827 को इसका पेटेंट कराया। फ्रांस में पढ़ाई करते वक्त पैट्रिच को बहुत सारे नोट्स लिखने पड़ते थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसे उपकरण की जरूरत महसूस हुई जिससे समय बचाया जा सके। बस इसी जरूरत ने जन्म दिया पहले फाउंटेन पेन को। फाउंटेन पेन का नाम इसके काम करने के तरीके पर रखा गया। लोगों ने देखा कि जिस प्रकार फाउंटेन में पानी अधिक समय तक चलता है, वैसे ही ट्यूब के आकार के पेन में भरी इंक भी लंबे समय तक चलती थी। बस तब से ही इसे फाउंटेन पेन कहा जाने लगा। फाउंटेन पेन की निब बहुत नुकीली होती है। इस पेन में इंक भरी जाती है जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से निब के जरिए कागज तक पहुंचती है। समय के साथ इस पेन में भी कमी पाई गई। इससे लिखने के बाद इसकी इंक बहुत देर बाद सूखती थी, जिसके चलते बॉल पेन का आविष्कार किया गया। इतिहास देखा जाए तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार इस क्षेत्र में क्रांति माना जाता है। इसका श्रेय जॉन जैकब लाउड और लास्लो बीरो को जाता है। सन 1888 में बॉल पॉइंट पेन की शुरुआत की गई, लेकिन इसकी इंक पतली होने के कारण लीक हो जाती थी, जिस वजह से लिखने में काफी परेशानी आने लगी। करीब 50 साल बाद हंगरी में रहने वाले लेशलो बीरो ने अपने भाई जॉर्ज के साथ मिलकर बॉल पेन बनाने की शुरुआत की। इस बॉल पेन को बनाने का आइडिया प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल की जाने वाली इंक को देखकर आया, क्योंकि ये इंक जल्दी सूख जाती थी। बॉल पेन आने के बाद फाउंटेन पेन का चलन थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसने धीरे धीरे लग्जरी रूप लेना शुरू कर दिया। आज फाउंटेन पेन के निब को बनाने में सोना, चांदी, प्लैटिनम और अन्य कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हीरे भी लगाए जाते हैं। इससे फाउंटेन पेन की कीमत कई लाखों रुपए तक होती है। वर्तमान में फाउंटेन पेन का उपयोग उपहार देने के रूप में भी किया जाता है। अमेरिका की पार्कर पेन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फाउंटेन पेन निर्माता कंपनी है। दुनिया भर में फाउंटेन पेन का बाजार आज भी करीब $34 करोड़ का है। इस फाउंटेन पेन के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की दूसरे रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।